अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को अस्थाई प्रावधान करार देते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। केंद्र सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में भी जहां भारत का कानून लागू होने लगा, वहीं लद्दाख में भी ऐसा ही हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन तो नाराज हुए ही, लेकिन चीन भी इससे बौखला गया है। चीनी सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि चीन ने कभी भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं दी। चीन लद्दाख के एक बड़े हिस्से को अपना होने का दावा करता है, जबकि सच्चाई में ड्रैगन ने भारत के लगभग 4,067 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दरअसल ये टिप्पणियां लद्दाख मुद्दे पर चीन की सोची समझी चाल की स्थिति को दर्शाती है, जिससे उसने 2019 में भारत सरकार के कदम के बाद खुले तौर पर व्यक्त भी किया। उस समय चीन ने इसे घरेलू कानूनों का एक तरफा संशोधन कहकर विरोध किया था। सरकारी मीडिया कंपनी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत के घरेलू न्यायिक फैसले से भारत चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से के तथ्य नहीं बदलेंगे और वो हमेशा चीन का रहा है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल रखने के फैसले पर माओ ने मंगलवार को कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन का रुख पूरी तरह से स्पष्ट और अड़िग रहा। इसके अलावा चीन ने कहा अनुच्छेद 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। इसका चीन भारत सीमा के पश्चिमी खंड पर हमारे चीन दावे पर कोई असर नहीं पड़ता। भारत चीन सीमा के पश्चिमी भाग पर दावा करते हुए माओ ने कहा कि भारत की अदालत का फैसला इस तथ्य को नहीं बदलता कि चीन भारत सीमा का पश्चिमी भाग हमेशा चीन का रहा है। इस मसले पर पहले भी चीन की तरफ से बयान आ चुके हैं, तब पड़ोसी देश की तरफ से कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध माना था। सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 एक अस्थाई प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति भी थी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें।